नमस्कार दोस्तों, गिकी रिकी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रियलमी एक्सटी का हार्ड टेस्ट आपके लिए लेने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं इस फ़ोन को लगभग मैं अपने धारदार नाइफ से इसको स्क्रैच कर रहा हूं, तो जो साइड का कंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो पूरा मेटल का दिया हुआ है। मीन्स के इसके अंदर से जो भी इसका पैंट जो है दोस्तों एकदम पथेटिक दिया हुआ है, मतलब कि पूरा पैंट आपको निकल जाता है, इसके अंदर से कोई पैंट बचता नहीं है। ये देखिए मैं इसको स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ आपको नाइफ से। जो ग्लास और फ्रंट और ग्लास है दोस्तों वो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा ग्लास आपको यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो इसके अंदर आपको कोई भी स्क्रैच पड़ने का कोई चांस नहीं है। जो इसका स्पीकर वेंट दिया गया है दोस्तों वो प्लास्टिक का दिया गया है, तो मैं इसको स्क्रैच कर रहा था तो पूरा इसका जो भी था कंस्ट्रक्शन वो पूरा निकल जा रहा था, मतलब उतना खास इसका स्पीकर वेंट नहीं था। जो कैमरे के मॉड्यूल के ऊपर थोड़ा दिया गया है दोस्तों, तो आप सब देख रहे हो कि मैं इसको पूरा स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ, तो आप सभी के सामने पूरा निकल जा रहा है। पर जो ऊपर वो साइड के कंस्ट्रक्शन है दोस्तों उसके अंदर पूरा खराब प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, पूरा प्लास्टिक का कलर जो पैंट जॉब किया गया है दोस्तों एक्चुअल में बहुत ही ख़राब है। इसका पैंट जॉब इतना ख़राब है कि पूरा इसका कंस्ट्रक्शन था साइड एजेस का पूरे कलर्स निकल जा रहा था, इसका जो भी मेटल ग्रे कलर का कलर था दोस्तों पूरा निकल जा रहा था। मैं इसको आप सभी के सामने मैं इसको स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप। तो आप जैसे देखते हो दोस्तों जो भी इसका भुर्रा था, मतलब कलर का जो भुर्रा था वो पूरा निकल जाता है। अब जो रियर कैमरा है उसके सेंसर दोस्तों मैं साइड एजेस में स्क्रैच कर रहा हूँ, तो उसमें जो इसमें आपको मेटल का फ्रेम दिया गया है तो वो भी आपको निकल जाता है। पर जो ग्लास बॉडी है दोस्तों इसका फ्रंट और रियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको कितना भी आप स्क्रैच करने की कोशिश करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जो इसके साइड एजेस के अंदर जो यूज़ किया गया है दोस्तों बहुत ही ख़राब तरह का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, पूरा कलर का जो पैंट जॉब था दोस्तों पूरा निकल चुका है, आप सभी डिस्प्ले के सामने ज़रूर देख रहे हैं। पर इसके ग्लास बॉडी की मैं दोस्तों तारीफ़ करना चाहूँगा, इसको मैं 100 out of 100 देना चाहूँगा। फ्रंट रियर में जो भी ग्लास यूज़ किया गया है, कॉर्निंग ग्लास 6 है या 5 है दोस्तों मुझे पता नहीं है, पर एक्चुअल में जो इसका स्क्रैच टेस्ट में दोस्तों वो 100 out of 100% मार्क्स लाता है। पर जो साइड के कंस्ट्रक्शन था दोस्तों वो साइड एजेस के अंदर पूरा ख़राब आपको हो जाता है, मतलब कि जो साइड एजेस में कल पेंट जॉब जो किया गया था दोस्तों उसके अंदर से पूरे कलर्स इसके अंदर निकल जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आता है। पर जो रियर और फ्रंट में आपको जो दिया गया है दोस्तों उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो रियलमी XT तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसका बैंड टेस्ट भी आपको मैं आगे करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं फिंगरप्रिंट सेंसर पे भी स्क्रैच करके आपको दिखा रहा हूँ, तो कोई स्क्रैच इसके अंदर नहीं पड़ता है, मतलब कि इसके अंदर इतना अच्छा ग्लास यूज़ किया गया है। मैं कंपनी को हेडसअप कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा फ़ोन बनाने के लिए दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर भी अनलॉक हो जाता है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती नहीं है कि अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई प्रॉब्लम करते हो। फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो है, हार्डवेयर के अंदर ऑप्टिमाइज किया गया इसलिए थोड़ा स्लो है, पर दोस्तों इसके अंदर स्क्रैच टेस्ट में ये 100 out of 100 लाता है। फ्रंट और रियर दोनों अंदर आपको ग्लास बॉडी मिल जाता है और बहुत ही सॉलिड ग्लास का यूज़ किया गया है दोस्तों। इसके अंदर मैंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, जैसे सीजर का टेस्ट भी किया है दोस्तों, मैंने नाइफ का टेस्ट किया है, बहुत सारे टेस्ट किए, पर इसके अंदर कोई भी आपको स्क्रैच नहीं मिलते हैं, मतलब इतना अच्छा ग्लास इसमें यूज़ किया गया है रियलमी XT में, मैं आपको क्या बताऊं। अब दोस्तों इसका जो सिम ट्रे इजेक्टर टूल है इसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके में पूरा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, तो इसके अंदर भी पैंट जॉब किया गया है, तो पूरा पैंट जॉब इसके अंदर से निकल जाता है। मतलब ये प्लास्टिक दोस्तों एक्चुअल में अच्छा प्लास्टिक है, पर इसका जो पैंट जॉब किया गया है दोस्तों उसको अगर आप थोड़ी भी धारदार चीज़ से निकालोगे तो पूरा स्क्रैच इसका कलर पूरा निकल जाता है, मतलब पैंट जॉब पूरा निकल जाता है। तो मतलब पैंट जॉब के अंदर उतना अच्छा काम नहीं किया गया है। बाकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बहुत ही अच्छी है, पर एक्सटर्नल जो इनके अंदर कलर का यूज़ किया गया है साइड एजेस पे उतना अच्छा नहीं है, तो रियलमी XT को उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर कोई भी आपको वाटर रेजिस्टेंट या डस्ट प्रोटेक्शन का कोई भी आपको IP67 सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आप सभी के सामने मैं बार बार स्क्रैच करके आपको दिखा रहा हूँ तो आपको पता चले। अभी देखिए दोस्तों मैं सीजर से पूरा एकदम जोर लगा के इस फ़ोन के अंदर स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर भी कोई भी स्क्रैच पड़ने के लिए ये होता ही नहीं है दोस्तों, मतलब कोई भी स्क्रैच इसके अंदर पड़ता नहीं है। देख लीजिए आप सभी ने, बैक पैनल में भी स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ। जो कैमरा के साइड एजेस है दोस्तों उसके अंदर मेटल का यूज़ किया गया है, या मेटल है या प्लास्टिक है आई डोंट नो, उसमें थोड़े स्क्रैच पड़ जाते हैं, पर जो कैमरा का ऊपर लेंस है दोस्तों उसके अंदर कोई स्क्रैच नहीं पड़ता। रियर में जो ग्लास में इसको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ सीजर के साथ में, इसमें भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ता दोस्तों। दोस्तों रियलमी को मैं एकदम कंपनी में समझ लेता है उतना अच्छी नहीं है, ओप्पो की कंपनी सब ब्रांड है, पर दोस्तों इसकी क्वालिटी के अंदर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया,
बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी बताइए दोस्तों। इसको जूम करके भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का। देखिए दोस्तों, मैं कैमरा की मॉड्यूल पे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों, इसके अंदर इतना अच्छा ग्लास यूज़ किया गया है कंपनी ने कि कोई स्क्रैच इसके अंदर पड़ता नहीं है। फिर जो साइड पैन जो अब किया गया दोस्तों, उसके अंदर पूरा कलर आपको निकल जाता है। इसके अंदर मैं फ्रंट में भी आपको स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता है। मैं आपको धारदार नाइप से इसके स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ आप सभी के सामने। तो दोस्तों, आप सब ज़रूर देख रहे हैं कि इतना अच्छा ग्लास इस फ़ोन के अंदर, वो भी 19,000 के प्राइस रेंज में, वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में दोस्तों, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब कंपनी इतना अच्छा आपको क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी देगी, उसका कभी मैंने सोचा ही नहीं था दोस्तों। देखिए, मैं फिर से स्क्रैच कर रहा हूँ इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर से, नाइप से, सीजर से भी स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर भी कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है दोस्तों। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है। मतलब इतना अच्छा है दोस्तों, इसका बैंड टेस्ट भी मैंने किया था दोस्तों। बैंड टेस्ट के अंदर भी ये पूरा, मैंने इसको दम लगा के इसको पूरा बैंड करने की कोशिश की, फिर भी इतना सॉलिड बॉडी कंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों, ये बैंड भी नहीं होता। मतलब कितना भी जोर लगा दीजिए, ये फ़ोन बैंड होने वाला नहीं है। डंके की चोट पर मैं आपको कह सकता हूँ कि रियलमी XT को अगर आपको लेना है, 19,000 का बजट है दोस्तों आपका, तो आप ले सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छा ग्लास यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा रियर और फ्रंट में ग्लास यूज़ किया गया है। पर जो साइड एजेस है उनके अंदर पेंट जॉब किया गया है, तो साइड एजेस के अंदर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा कलर आपके सामने भुर्रा देख लीजिए, मेरे हाथों पे लगा हुआ है, पूरा कलर का भुर्रा निकल जाता है। तो साइड एजेस का थोड़ा प्रॉब्लम था रियलमी का। पर दोस्तों, जो फ्रंट एंड रियर ग्लास है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी के सामने दोस्तों, मैंने देखिए पूरा दम लगा के इसका बैंड टेस्ट भी कर रहा हूँ, फिर भी ये थोड़ा भी ये बैंड नहीं हो रहा है दोस्तों। आपको नहीं दिख रहा होगा, पर दोस्तों मैं इतनी ताकत लगा रहा हूँ कि मेरे हाथ भी पेन करने लगे थे, फिर भी इस फ़ोन को बैंड टेस्ट के अंदर मैं 100 out of 100 देता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन इतना अच्छा है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी के मामले में, स्क्रैच रेजिस्टेंस के मामले में, कि इसको मैं ना बोल ही नहीं सकता। अब दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर या पेड वीडियो नहीं है, पर एक्चुअल में जो रियलमी ने इसके अंदर क्वालिटी दी है दोस्तों, मैं आप सभी को वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी बुरी चीज़ें भी है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। पर दोस्तों, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, उसके अंदर ये पास हो चुका है। मतलब देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही दम लगा के इसको बैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये बैंड नहीं हो रहा है। मतलब इतना अच्छा बॉडी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिया गया है कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा बॉडी कंस्ट्रक्शन दिया गया है। पूरा दम लगा के मैंने इसको बैंड करने की कोशिश की दोस्तों, फिर भी ये बैंड नहीं हुआ। अब पता नहीं दोस्तों, किस ग्लास से बना हुआ है, किस स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास से बना हुआ है। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो 6 में मिल ही जाता है। इसके अंदर दोस्तों, मैंने 5 level के स्क्रू ड्राइवर टेस्ट भी किए थे, फिर भी इसके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ दोस्तों, गिकी रिकी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा।